तो हिंदू राष्ट्र की मांग भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में करेंगे गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह बयान दिया है कि हिंदू राष्ट्र की मांग भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में करेंगे। और साथ ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराते हुए ये बयान दिया है, और बताया जा रहा है कि उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान की होड़ में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगी हुई है, बिहार से बाबा बागेश्वर सरकार की आवाज वहां तक जाएगी। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह बयान दिया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने की होड़ में लगी हुई है, और ये भी कहा कि देश के सनातन को जागना है तो बिहार की भूमि में सनातनियों का जागना होगा। और साथ ही बताया जा रहा है कि आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी जहां बाबा बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम को लेकर शहर भर में काफी तोड़फोड़ की थी, उसी को लेकर अब गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया है। कहा कि हिंदू राष्ट्र में भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे। बताया जा रहा है कि 13 से 17 मई तक जहां पटना में बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच चुके हैं, तो वहीं उन्हें लेने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे थे, उनके साथ मनोज तिवारी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने ये हिंदू राष्ट्र की बात को कही, कहा उन्होंने कि हिंदू राष्ट्र की मांग अगर भारत में नहीं की जाएगी तो क्या पाकिस्तान में की जाएगी।